आपको पता होना चाहिए मैडम, मैं इतने हद से बताना चाहता हूँ आपको और प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ एक ही सासू काफी है तबाही के लिए। तुमने अभी आंखों को समंदर होते देखा नहीं है? ट्यूनिशिया में एक मिनट दिमाग खराब है क्या? दिमाग खराब है? कोई नहीं अंदर आएगा। आज अंदर इसकी सरकार चलेगी, हमारी सरकार चलेगी। इनको पता नहीं है अभी तरसाह का इतिहास। ट्यूनिशिया में बहुत दिनों तक तरसाही थी, लीबिया में बहुत दिनों तक तरसाही थी। सिर्फ एक छापर मारा था प्रशासन ने एक सब्जी बेचने वालों को और उसके बाद ताश की पत्तों की तरह वहां पे तरसाह के धरने गिरने लगे। अभी तक तुमने अभी तुमने लात मारा है और माफी मांग चले गए। तुम जिस जो लात मार के जिस घमंड में हो, और मुझे कल एक अनुज सुना रहा था मेरा जूनियर कि किसी ने ऑडियो दिया है, किसी ने ऑडियो बीच में यार किसी ने ऑडियो वायरल किया है कोई, हाँ कोई भी है कि छात्रों को इसी तरह से मारना चाहिए, जूता से मार के निकाल। तो सुन लो तुम यार, हमारे हम गरीब मिडिल क्लास के बच्चे, मेहनत कर बाप की आमदनी पे पलने वाले लोग, हमारी छातियां और पीठ उतनी मजबूत है कि तुम्हारी लात भी सह सकती है, तुम्हारा दमन भी सह सकती है, लेकिन जिस दिन इस गरीब का हाथ तुम्हारे गिरबान तक चला जाएगा, तुम्हें कौन बचाने आएगा? तुम्हें कौन बचाने आएगा? ये बात 15,000 की थोड़ी है, ये 15,000 की बात नहीं है। और जो लोग बैठे हुए हैं अभी कमरों में, जिल्लत की दाल चावल खा के अपने कदमों को समेटे हुए चौखटों तक अपने कमरे के, उनको मैं दिलों से भी मैं कहना चाहता हूँ, तुम जिस बदहवासी में बैठे हो ये सोच के कि मेरे हिस्से की तो लड़ाई है ही नहीं, तुमको पता ही नहीं कि ये आग कब तुम्हारे कदमों तक आ जाएगी और कब तुम्हारा गिरबान पकड़ लेगी, ये तुम्हें बहकार नहीं है। ये यहीं तक की बात नहीं है कि आपको 15,000 का इंद्र दे दिया जाए और तुम्हारे हिस्से में सिर्फ लड़ना है, आपके आपके हक में कुछ नहीं है, आपकी मुठ्ठियां खाली है, आपकी हथेली निछत्तर है, इसको लाजमी है कि तुम मुट्ठी बना लो और प्रतिकार की नोक में जिसको खा लो परचम बना के तुम लड़ो कि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है कोने के लिए, तुम लड़ो कि तुम्हारे पास ये आखिरी उम्मीद है, तुम लड़ो कि तुम उस काम से आते हो जिसको लड़ने की शिक्षा दी जाती है, जिसके लड़ने का इतिहास है। लड़ना, तुम लड़ो कि तुम्हारी तकदीर है लड़ना, तुम लड़ो कि तुमको बताना है कि तुम जिंदा हो, तुम लड़ो कि तुमको आगे आने वाली पीढ़ियां देख रही हैं कि कोई था जो मेरे पहले मेरे हकों के लिए इस तरह जालिमों से लड़ रहा था। मेरे मौत के तमाशा देखने वालों, मेरा घर दलता देखने वालों, फूस का छप्पर आपका भी है। मैं तो कहता हूँ जो लोग अभी सुनो, 2 लीटर वाई लेना, जो लोग अभी बैठे हैं कमरे में सोच रहे हैं कि 15,000 और ये 15,000 की लड़ाई है, कल को 3 गुना फीस हो जाएगी और तुम्हारा आवाज उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, और उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा घर देख जल के जलते देखने वालों, फूस का छप्पर आपका भी है, आगे तेज हवा है, पीछे मुकद्दर आपका है, और मेरे घर तुम्हारे उसके घर उसके मौत पे मैं चुपता, मेरा नंबर अब आया, मेरे मौत पे तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है, आपका है, आपका। ये रवैया है प्रशासन का। कहती है मैडम, मैडम कहती है कि बजट कम हो गया, बजट कम हो गया, लिखा के देख लीजिए। मैं बहुत बड़ी बात राजनीतिक बात तो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, सारे यूनिवर्सिटियों के बजट, सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के बजट तुलनात्मक रूप से बड़े हैं। अगर तुम्हारा कम हुआ है, तुम्हारी नाहलियत है, तुम्हारे गुर्दों की नाकामी है, इस पे हमारा कुछ नहीं है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, हम किस तरह जिम्मेदार है? हम पे हमारे कंधों पे थोप दिया जाता है, हमको बलि का बकरा बना देता है। एग्जाम तुम कराते हो, चुन के तुम हमको लाते हो,
तुम्हारे मानक पर चुनकर हम आते हैं, एडमिशन करते हो, तुम्हारा एक मानक उस पर पढ़ाई करते हैं हम, शिक्षक तुम हो, यूनिवर्सिटी तुम चलाते हो, व्यवस्था तुम देखते हो, और बजट कम हो गया तो हम जिम्मेदार हैं। हाँ, ये कौन सी बात हुई? सारा काम तुम करो और जिम्मेदारी हम ले, तो हम ये भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। लेकिन जब हम जवाबदेही तय कर देंगे तो तुम कुर्सियां तुम्हारी डगमगाने लगेंगी, उस VC ऑफिस पर भूकंप के झटके आने लगेंगे और परतों की तरह हिलने लगेगी तुम्हारी। जिम्मेदार और जिम्मेदारी इस विद्यालय में तय होनी चाहिए। आज भी इस विद्यालय से जब PCS का रिजल्ट निकलता है तो तमाम यहाँ की नस्लें जाती हैं और उसके कार्यालय के कमरों तक पहुँचती हैं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम तो इस हॉस्टल के कमरों के चिराग को बुझा रहे हो, सड़कों पे 50-50 लोग, इस वेलफेयर स्टेट है। भारत का संविधान कहता है कि यह कल्याणकारी राज्य है और कल्याणकारी राज्य में वेलफेयर स्टेट में 50 लोग अपनी पेट नीचे निचोड़ रहे हैं और तुम मौज में हो,